कासगंज जनपद की कोतवाली गंजवर में रहने वाले पति पत्नी को कस्बे के ही 3 लोगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। कासगंज के गंज डुंडवारा के मोहल्ला पूरब थोक के रहने वाले पीड़ित राहत मियां ने बताया कि उसका विवाद कस्बे के ही नवी आलम से 4 दिन पहले हो गया था और आज नवी आलम और उसके अन्य 2 साथियों ने राहत मियां के घर जाकर राहत मियां और उसकी पत्नी के साथ लाठी डंडों और तमंचों के बट से मारपीट कर दी। वहीं घायल अवस्था में पीड़ित पति पत्नी थाने पहुंचे, जहां पीड़ितों ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली गंज डुंडवारा में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। राहत मियां नाम है मेरा और अब से करीब क्या क्या ये मारपीट किसने की है, क्या था, क्या मामला है? मारपीट नजीम आलम, उरूज आलम और नवी आलम हमारे घर में अचानक से घुस गए। 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था उसी को लेकर और हमें जान से मारने की कोशिश की और हमारे घर में ये कहते हुए निकले कि इन्हें जान से मार देंगे, पब्लिक इकट्ठी हो गई, इस वजह से हम बच गए और सीधे थाने चले आए। अब तो वो जो कह रहे हैं कि हम जान से मार देंगे, ये लोग पहले भी कत्ल कर चुके हैं मियाऊ में। इन लोगों के नाम पहले से दर्ज है। कौन से मामले की घटना है? पटियाली रोड पे 4 दिन पहले बम्बे पे झगड़ा हुआ था उसी को लेकर इन लोगों ने हमारे घर में घुसकर हम पर हमला कर दिया जानलेवा। आज कहाँ, कौन से मोहल्ले? आज पटियाली रोड पे हमारे घर में घुस गए ये लोग और हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तो आपने पुलिस को कोई तहरीर सूचना दी? कोई, अभी हम सीधे थाने चले आए हैं, अब तहरीर लिखी जा रही है। ये आज क्या क्या मामला है, क्या मारपीट हुई है? पहले बम्बे पे हमला हुआ था हमारे भांजे के पीछे, तो इन्होंने फिर हमारे घर पे आके उसी वजह से कितना उरूज आलम, नबी आलम और नजीम ने हमला किया था। 2 लोग और थे साथ में, लेकिन नीचे औरतों को दबा लिया था, ऊपर हमारे आदमी के ऊपर हमला किया और मैंने बचाने की कोशिश करी तो फिर मेरे छुरियों से मारा, जिस सब मारा, सब बंदूकों से मारा, जिस सब चांटे मारे, सब मैं गिर पड़ी, फिर छुरियों से कहा इसे जान से खत्म कर दो। कौन से मोहल्ले की घटना है जी? पटियाली रोड पे की। तो पुलिस को सूचना दी, क्या कार्रवाई हो रही है जी? आप पता है रिपोर्ट लिखवाइए, अब आगे जी पता करें क्या हो रही है कार्रवाई। हमें इंसाफ चाहिए सर, जल्दी से जल्दी।